हेलो दोस्तों, वेलकम करने तो अपने यूट्यूब चैनल से। दोस्तों आज फिर ऐसी रिएक्शन दवांगे टूर एक केरला था कीता केरला टूर पैकेजेस में कंप्लीट केरला टूर मैं कह रहा पैकेज को भी दस्से होने इस वीडियो के किन्ने रुपए के बेचे कितने भी जिम्मे पिछली वीडियो में 60 रुपए जगला पूरा फिर है तो इस वीडियो वेखो पता नहीं कितने कितने फिर के आने मतलब कि जगह का किन्ना किन्ना पैकेज है। स्टार्ट करने वीडियो वीडियो तो बाद केरला गॉड्स ओन कंट्री ये नाम सुनते ही हमारे दिल और दिमाग में खूबसूरत बैक वाटर के ख्याल आने लगते हैं। सभी चाहते हैं मैं अगर आपको ये बोलूं कि आप सिर्फ बोट राइड ही नहीं दिन रात रुक भी सकते हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं राइड और नाइट स्टे का। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब तो दोस्तों आज मैं आपको केरला टूर की कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में, तो दोस्तों अंत तक इसको देखते रहिए। दोस्तों अगर आप ढूंढ रहे हैं बीचेस, हिल स्टेशन, वाइल्ड लाइफ और बैक वाटर का कॉम्बिनेशन फॉर योर हनीमून टूर, तो आपकी पहली पसंद होगा केरला। अगर आप फैमिली के लिए केरला टूर पैकेज प्लान करते हैं तो भी ये पैकेज आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो दोस्तों आज मैं आपको केरला टूर पैकेज की कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि कैसे आप जा सकते हैं केरला घूमने, कौन कौन से प्लेसेस आप घूमेंगे इस पैकेज में एवं कौन कौन से साइटिंग पॉइंट हैं इनमें, कौन सा सही समय होता है यहाँ घूमने का, कितने दिन चाहिए आपको केरला पैकेज को कवर करने के लिए, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कम खर्चे में प्लान कर सकते हैं ये ब्यूटीफुल केरला टूर पैकेज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अवनीश प्रजापति, आपका डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवल एडवाइज़र, और स्वागत करता हूँ FTR Holidays प्राइवेट लिमिटेड में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे आप जा सकते हैं केरला। केरला आप बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन और बाय बस भी जा सकते हैं। बाय फ्लाइट जाने के लिए आप या तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ सकते हैं जो कि कोचीन में ही है, या आप त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी आ सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कोचीन की फ़्लाइट बुक करें, या अगर आप त्रिवेंद्रम की फ़्लाइट बुक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने एजेंट से या हमसे कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही आप त्रिवेंद्रम की फ़्लाइट बुक करें, क्योंकि कोचीन केरला के एक छोर पर है और त्रिवेंद्रम केरला के दूसरे छोर पर। अब बात करते हैं बाई ट्रेन की। कोचीन में वैसे तो 7 रेलवे स्टेशन हैं, ज़्यादातर ट्रेन एर्नाकुलम जंक्शन तक आती हैं, तो आप यहाँ तक बाई ट्रेन आ सकते हैं। इसके बाद हमारा ड्राइवर आपको पिक करके होटल तक लेके आ जाता है। बात करते हैं बाई बस की। अगर आप केरला के नियर बाई स्टेट से हैं तो आप बाई बस भी आ सकते हैं। जैसे कि अगर आप बेंगलोर से आना चाहते हैं तो 10 से 11 घंटे की ओवरनाइट बस आप लेके कोचीन आ सकते हैं। तो दोस्तों आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट या बाई बस, आप कोचीन तक आ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कौन कौन सी डेस्टिनेशन हम कवर करेंगे इस पैकेज में और उनमें कौन कौन से साइटिंग पॉइंट्स हैं। दोस्तों इस पैकेज में हम 4 मेजर डेस्टिनेशन कवर करेंगे जिसमें शामिल है कोचीन, मुन्नार, थेकड़ी और एलेप्पी। दोस्तों इस पैकेज को हम कोचीन से स्टार्ट करके कोचीन में ही एंड करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कोचीन के साइटिंग पॉइंट की, जिसमें से शामिल है ज्यू सेनेगोम, सेंट फ्रांसिस चर्च, मैटन चेरी पैलेस, चाइनीज़ फिशिंग नेट। इसके बाद इवनिंग में आप कथकली डांस शो भी एंजॉय करते हैं जो कि केरला का बहुत ही फेमस डांस शो होता है। अब बात करते हैं मुन्नार के साइटिंग पॉइंट्स की। दोस्तों मुन्नार बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जहां हर कोई जाना चाहता है। हनीमूनर्स की पहली पसंद है केरला में मुन्नार। मुन्नार समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है जो कि टूरिस्टों को बहुत निभाता है। मुन्नार कोचीन से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है जिसे पूरा करने में करीब 5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं दोस्तों कि आपको पता ही नहीं चलता समय का। मुन्नार में घूमने के लिए साइटिंग पॉइंट्स हैं फोटो पॉइंट, एराबिकुलम नेशनल पार्क, मेटुपेटी डैम जहां पे आप बोट राइड कर सकते हैं, इको पॉइंट, शूटिंग पॉइंट। दोस्तों यहां पे आमतौर पर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, ये इतना खूबसूरत पॉइंट है आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद विजिट करते हैं कुडले लेक जहाँ पर आप शिकारा बोटिंग कर सकते हैं। उसके बाद मुन्नार टी म्यूजियम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे चाय प्रोसेस होती है। उसके बाद चाय के बागान, मुन्नार चाय के बागानों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है पूरे भारत में, ब्लॉसम पार्क और अंत में कोथेनमेडु व्यू पॉइंट। तो यही साइटिंग पॉइंट है दोस्तों मुन्नार के, जो मुन्नार को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं।
दोस्तों यहाँ पे एक बात और, अगर आप हनीमून टूर पे हैं तो आपको ट्री हाउस का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। ट्री हाउस का स्टे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट ट्रस्ट मी आप बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस लेंगे, तो आप चाहें तो स्टे कर सकते हैं यहाँ पर भी। दोस्तों अब बात करते हैं कि थेकड़ी में आप क्या क्या घूमेंगे। दोस्तों मुन्नार से थेकड़ी जाते समय बीच में जो हिल्स और वैली आती हैं बैसन घाट में, वो कमाल की खूबसूरत होती हैं, यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं यहाँ। दोस्तों थेकड़ी दुनिया के सबसे आकर्षक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्यों में से एक है, जिसका नाम पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसमें आप बहुत सी एक्टिविटी करते हैं जैसे कि एलिफेंट राइड और नेचर वॉक। दोस्तों यहाँ पे एक लेक भी है जहाँ आप बोट राइड कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लेक है, इसमें बोट राइड करने का दोस्तों अपना ही एक मज़ा है। साथ ही आप चाहें तो बोम्बो राफ्टिंग भी कर सकते हैं, जो शायद आपने अब तक कभी नहीं की होगी, तो दोस्तों ये आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं थेकड़ी को प्राकृतिक मसालों जैसे कि काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और लौंग के लिए स्वर्ग माना जाता है। आप भी एक टूर करते हैं जिसे स्पाइस प्लांटेशन टूर कहते हैं, इसमें आपको बताया जाता है कैसे इन स्पाइसेस को उगाया जाता है यहाँ पर। इसके बाद इवनिंग में आप चाहें तो कथकली डांस यहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थे मेजर थेकड़ी के साइट सीन अट्रैक्शंस जो बिल्कुल अलग बनाते हैं थेकड़ी को केरला में। दोस्तों अब बात करते हैं एलेप्पी की, जिसे बैनर्स ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों एलेप्पी जाना जाता है अपने बैक वाटर्स के लिए। इसमें आप लंबी और लेजी हाउस बोट राइड करते हैं, साथ ही इसी हाउस बोट में आप नाइट स्टे करते हैं। इसमें स्टे के दौरान आप तीनों मील्स यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एंजॉय करते हैं, जो आपको बहुत ही अलग एक्सपीरियंस कराते हैं हाउस बोट में तीनों मील एंजॉय करने का, जिसे आप लाइफ टाइम याद रखेंगे। यहाँ एक बात और बता दूँ आपको, अगर आप अपने हनीमून टूर पे हैं तो इसमें हम आपको स्पेशल एक्सपीरियंस कराते हैं, जैसे कि कैंडल लाइट डिनर कराते हैं, आपको हनीमून केक देते हैं हमारी तरफ से, ये विशेष अरेंजमेंट आपके लिए करा के देते हैं हम हाउस बोट पर, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस मेमोरेबल हो जाता है। हाउस बोट करीब दिन में 12 बजे आप बोर्ड करते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नाश्ते के बाद 9 बजे चेकआउट करते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो होटल में भी स्टे कर सकते हैं और दिन में डे क्रूज़ करके इवनिंग में अपने होटल वापस आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हाउस बोट में ही स्टे करें और इसी का एक्सपीरियंस लें। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा बट एक्सपीरियंस लाइफ टाइम के लिए होगा, तो दोस्तों आप इसका लुत्फ ज़रूर उठाएँ। तो दोस्तों यही थी चार डेस्टिनेशन इस टूर में जो हमने कवर की हैं, और भी बहुत से केरला के पैकेजेस हैं, वो मैं आने वाले वीडियो में बनाऊंगा। एक वीडियो में सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि कितने दिन चाहिए आपको इस पैकेज को कवर करने के लिए। इस पैकेज को कवर करने के लिए दोस्तों 5 रातें और 6 दिन कम से कम आपको चाहिए, जिसमें आप एक रात रुकते हैं कोचीन में, 2 रात मुन्नार में, 1 रात थेकड़ी में और 1 रात एलेप्पी हाउस बोट में स्टे करते हैं। इस तरीके से आपकी 5 रातें और 6 दिन में ये टूर कम्प्लीट हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि कौन सा सही समय होता है केरला विजिट करने का। दोस्तों केरला आप पूरी साल विजिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बेस्ट टाइम ट्रेवल करने के लिए होता है वो अक्टूबर से मार्च तक का टाइम एडवाइजेबल होता है। दोस्तों अब लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात खर्चे की करते हैं। केरला में भी 2 रेट चलते हैं, एक ऑफ सीजन रेट होता है जिसमें पैकेज का रेट कम होता है, जो कि अप्रैल से सितंबर तक का होता है, और दूसरा होता है सीजन रेट जिसमें पैकेज का रेट थोड़ा सा हाई होता है। दोस्तों आप चाहें तो केरला पैकेज काफ़ी कम बजट में बुक कर सकते हैं। हमसे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। एडवाइस लेने के लिए कोई चार्जेस नहीं होता है दोस्तों, आपकी हेल्प करने के लिए ही ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। हमारा मोटिव सिर्फ आपकी हेल्प करना है एवं कम से कम रेट में अच्छी से अच्छी सर्विस और पैकेज देना है, जिससे कि दोस्तों हर वो इंसान जो चाहता है कि विजिट कर सके, जिसको बहुत एक्सपेंसिव रेट्स बताए जाते हैं, वो भी कम बजट में केरला पैकेज कर सके, यही इंटेंशन है दोस्तों हमारा। दोस्तों हमारे पास केरला की काफ़ी अच्छी बेहतरीन एंड पैसे भी दसेगा सू फोन करके लादा रेट दसेंगे, तो काफ़ी जगह ने अलग अलग थोड़ी सारिया दसिया ने, बाकी उन्होंने दसनिया कोई अगर तुम आखो कि तो दूसरी वीडियो भी कर लाँगे। तो साड़ी भी रिकमेंडेशन तुम यही है कि तुम अगर जाना चाहो उतों तो इन्होंने रबता करो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक थले डिस्क्रिप्शन देंगे, उन्होंने चैनल में लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो साढ़े चैनल में भी करो, तो सानू हो सके तो कोई स्पॉन्सर करे अभी भी आइए मेरे नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।